हेलो दोस्तों, दिस इज़ आरोही और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि फोर प्ले क्या है। फोर प्ले क्यों ज़रूरी है? आजकल बहुत सारे लोग ना अलग अलग बातें कर रहे हैं फोर प्ले, हाँ ये तो होता ही नहीं है, ये तो ज़रूरी ही नहीं है। किसने कहा दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट? आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो फोर प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी या फिर सुनी भी नहीं होगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो #BeBold के साथ प्लीज़ वीडियो को बोल्डली देखिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सेक्सुअल चीज़ें ही करें, सेक्सुअल एक्टिविटी ही करें। सेक्सुअल एक्टिविटी एक पूरी प्रोसेस है जिसमें आपका फोर प्ले, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड आउट प्ले इंपॉर्टेंट है। और ये तीन पार्ट होते हैं एक पूरे सेक्सुअल रिलेशनशिप में, और ये करने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि फोर प्ले सिर्फ फीमेल्स के लिए ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ फीमेल को ही उत्तेजित किया जाए, उनकी ही सेटिस्फैक्शन के लिए आप फोर प्ले करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर प्ले मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, यानी कि पार्टनर दोनों पार्टनर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। संबंध बनाने या फिर सेक्स करना सिर्फ आपकी फिजिकल नीड्स नहीं हो सकती, दैट इज़ योर मेंटल नीड्स। आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पार्टनर्स को इस चीज़ों की नॉलेज नहीं होने की वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, तो इस चीज़ की नॉलेज ज़रूर रखनी चाहिए। तो फोर प्ले में एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? फोर प्ले की एक्टिविटी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, वो तरीका जिससे आपका पार्टनर उत्तेजित हो या फिर वो खुश हो। महिलाओं में हो सकता है कि आप उनके प्राइवेट पार्ट्स पे लिकिंग, सकिंग, ऐसी सारी चीज़ों करें जहाँ वो सेंसिटिव पार्ट्स हैं। मेल में भी वैसी ही चीज़ें होती हैं जो उनका सेंसिटिव एरिया रहता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जितना सोचते हो उतनी बार आप अपना फोर प्ले नहीं कर पाते, तो अपने आप को टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेनिट्रेशन ही किया जाए, पेनिट्रेशन की टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने के चक्कर में फोर प्ले करना भूल जाते हैं या फिर नहीं भी करते, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फोर प्ले इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब डॉक्टर रिकमेंड कहते हैं, और ये करना भी काफ़ी ज़रूरी है। फोर प्ले का तरीका यानी प्यार जताने का भी तरीका होना चाहिए जिसमें महिलाओं को ये लगे, आपके फीमेल पार्टनर को ये लगे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। जितना आप उन्हें प्यार करोगे वो भी आपको प्यार करेगी, आपका हेल्दी रिलेशनशिप होगा। सेम उसी टाइप से मेल्स में भी ये देखा गया है कि प्यार के साथ साथ ही आप अच्छे से और फोर प्ले के साथ साथ ही इंजॉय करते हो अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को, सेक्सुअल एक्टिविटी को। उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, देन आउट प्ले भी होता है। आउट प्ले वो सारी चीज़ें आपके सेक्स जल्दी से ही आप अपने काम पे निकल जाते हो या फिर आप कहीं और बिजी हो जाते हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि थकने के बाद आप जो है अच्छी नींद लेने लगते हो और बस भूल जाते हो सारी चीज़ें। इसी में आपके पार्टनर, स्पेशली फीमेल पार्टनर को ये लगता है कि आप उनसे बस यूज़ कर रहे थे, ऐसे में आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होता है और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है। तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।